एंड्रॉयड 12 बीटा 5 का एक लेटेस्ट पोर्ट अपडेट आ चुका है हमारे MI 812 डिवाइसेज के लिए और इसे स्पेशली टेस्ट किया गया है हमारे पोको M2 प्रो डिवाइस के लिए। तो बाकी अदर पे आप ट्राई करते हो तो मे भी दिक्कत आ सकता है या नहीं आता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। ये एक पोर्ट रोम है ना कि GSI बेस्ड, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल पोस्ट जिसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है और जो कि मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वही मेथड रहेगा जो कि आपने पहले फॉलो किया है, वाइप फ्लैश फॉर्मेट रिबूट। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है किस तरीके से वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे टेक ऑफिस को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो, लेकिन अब से टेक ऑफिस पे आपको कस्टम रोम के अलावा बाकी अदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे जो कि आपके काफी काम आ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टम रोम का रिव्यू चाहिए आपके डिवाइस से रिलेटेड, तो मेरा जो सेकंड चैनल है एंड्रॉइड स्टफ्स इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कस्टम रोम्स ही देखने को मिलेंगे जिससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी टैब पे है जो आज की डेट में पोस्ट डाला है दोनों चैनल के ऊपर। तो कस्टम रोम के लिए एंड्रॉइड स्टफ्स और बाकी अदर कॉन्टेंट्स के लिए टेक ऑफिस पे बने रहें। एंड्रॉयड वर्जन पे आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल जाता है जो कि क्लॉक है, और जैसे आप यहाँ पे 12 क्लॉक इनेबल कर देते हो तब आपको यहाँ पे 12 का एक एस्टर एक देखने को मिलेगा जो कि इसके विजार्ड्स में नजर आता है। और यहाँ पे जो बबल्स है ये बैकग्राउंड वॉलपेपर से मैच करते हैं, तो जैसा वॉलपेपर वैसा आपको बबल्स वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे सितंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है, साथ साथ सितंबर 1 का यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम है, इथेरियस का कर्नल यूज किया गया है और बीटा 5 का ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, इसके बाद अभी कोई अपडेट आया नहीं है। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है जेस्टर्स वगैरह जहाँ पे फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशंस के लिए है जो कि यहाँ पे काम नहीं करता। अगर बैक टैप की बात करें जो कि स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो बैक टैप भी मुझे कुछ खास वर्किंग देखने को नहीं मिला है अभी तक जितने भी डिवाइसेज में मैंने इसे चेक किया है, तो ये अभी है बट बाद में शायद एक्टिव हो सकता है। 100 मोड है जो अच्छे से काम करता है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो कि कई सारे शॉर्टकट हमें एसेसिबिलिटी में देखने को मिलते थे तो जो आपको यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है लेकिन हाँ फीचर्स तो वही है सेम टू सेम। तो आप यहाँ पे 100 को यूज करो या फिर किसी और को यानी नोटिफिकेशन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। लैपटॉप चेक आपको मिल जाता है, पावर बटन पे आप असिस्टेंट यूज करना चाहते हो या नहीं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और जब भी आप यहाँ पे करोगे असिस्टेंट को ऑन तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है, जबकि पहले वाले में हमें डाउनलोड करना पड़ता था, तो यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। सिस्टम अपडेटर किसी काम का नहीं है क्योंकि ये पोर्ट रोम है और अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है, तो जब आएगा जब देखेंगे। यहाँ पे डिजिटल वैल्यूइंग, पासवर्ड, लोकेशन, सेफ्टी, इमरजेंसी, प्राइवेसी और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता हुआ मिला है, लेकिन सम टाइम लॉन्ग टाइम के बाद कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि फिंगरप्रिंट ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है और एनिमेशन भी काफ़ी क्लियर रूप से यहाँ पे आपको नजर आएगा। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो बीच में से आपको एनिमेशन दिखाई देता है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है, जबकि ये है जो कई सारे रोम के अंदर हमें जो साइड में देखने को मिलता था इसका है जो मिडिल में देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर आपको अडेप्टिव लॉक स्क्रीन और बाकी आपको चीज़ें देखने को मिलती है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और कलर बूस्ट में हल्का सा कलर डिफरेंट देखने को मिलता है बूस्टेड में और अडेप्टिव के बीच में, जो कि यहाँ पे आपको नोटिस होगा जब आप ध्यान से दोगे। तो यहाँ पे टच को थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशंस से लेआउट आपको देखने को मिलते हैं लॉक स्क्रीन के, यहाँ पे आप मैनेज कर पाओगे और यहाँ पे नाउ प्लेइंग को भी आप ऑन कर सकते हो। लेकिन मे बी नाउ प्लेइंग ऑन करने के बाद आपको साउंड में क्रैकिंग वगैरह प्रॉब्लम आ सकता है यूट्यूब वगैरह प्ले करते समय, तो अगर ऐसा इशू आता है तो आप इसे ऑफ कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन भी यहाँ पे काम कर रहा है पोको M2 प्रो के अंदर, बट रिकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी ड्रेन करता है और मे बी आपको ब्लिंक का इशू भी देखने को मिल सकता है। और अभी आपने देखा कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एनिमेशन देखने को मिला अनलॉक करने का और साथ साथ यहाँ पे लॉक करने का, जो कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन को यूज करने के बाद है जो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो बेटर हो चुका है, जो एनिमेशंस वगैरह चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम आते हैं बैटरी के प्रोफाइल पे, तो ज़्यादा तो यूज नहीं किया है बट जितना भी यूज किया है बैटरी मुझे काफ़ी हद तक सही देखने को मिल गया है। यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल जो कि पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो चुका है, और यहाँ पे थीम्ड में आपको बीटा का टैग दिखाई देता है, यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी कलर आपको पिक करना है वॉलपेपर का या बाकी अदर का वो आप पिक कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कई सारे आपको वॉलपेपर देखने को मिलते हैं और
एंड्रॉयड 12 के वॉलपेपर के अंदर फिर से नए 3 थीम को ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको पसंद आने वाला है, जो कि थीम नहीं एक तरीके से वॉलपेपर है। लेकिन अब तो सारे वॉलपेपर एंड्रॉयड 12 के अंदर थीम के रूप में ही काम करते हैं, यानी पूरे सिस्टम का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लुक में चेंज देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं सर्च बार पे और टैप करते हैं तो जो हमारा कीबोर्ड निकल के आता है जीबोर्ड, ये भी आप देख सकते हो, तो इसका कलर हल्का सा चेंज देखने को मिल रहा है, जबकि पहले हमें कुछ मॉड्यूल वगैरह यूज करना पड़ता था, बट अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, जो कलर चेंज हो जाता है सिस्टम के कलर के हिसाब से, जो कि काफ़ी हद तक सही है। और यहाँ पे जो आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है पहले ऑड तरीके से था, बट अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से हो गया है। और ऊपर करते ही आप देख सकते हो सर्च बार का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप एक रूट यूजर्स हो तो इसे रूट कर सकते हो, क्योंकि रूट के पहले आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड नहीं रहता, बट जैसे आप रूट करते हो और यहाँ पे आप हाइड कर लेते हो मैजिक्स के अंदर, आपका जो सेफ्टी नेट है वो पास हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि सिंपल तरीके से आपके लिए काम करता है, ज़्यादा कुछ आपको मॉड्यूल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट कोई भी कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन एक अलग से कैमरा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इसी रोम के लिए, जो कि LAC 8.2 है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके कुछ आपको कॉन्फ़िग फाइल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे यूज करना है, बट इन फाइलों को आपको सही जगह पे पुट करना है, अदरवाइज आपको जो दिक्कत आएगा XML फाइल को यूज करने के लिए, तो उसके लिए आपको आना होगा अपने इंटरनल मेमोरी कार्ड पे। और ये जो आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, इस फोल्डर को आपको क्रिएट करना है GKM को नहीं, क्योंकि इसी के अंदर अगर आप XML फाइल को डालोगे तभी वो प्रॉपर काम करेगा, डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज आपको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा और दिक्कत होगी। तो आप फोल्डर का नेम देख चुके हो, सेम फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है और वहाँ पे उसके जो फाइल्स को डाल लेना है, और जैसा आपको डिटेल्स चाहिए जिस टाइप का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके फोटोज को क्लिक कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको मैक्रो मेन और वाइट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छे से वर्किंग है। और यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक किया है, तो शार्पनेस काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, तो कैमरे से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाले। विजेट्स की बात करें तो आप देख सकते हो तो लाइव विजेट्स देखने को मिल जाता है, जो कि बीटा 5 के अंदर नजर आया है, और भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है, विजेट्स पे जाना है। यहाँ पे स्टार एक देखने को मिलता है जहाँ पे नंबर नजर आता है, जैसे आप इस नंबर को रखोगे जो भी वॉलपेपर का बैकग्राउंड कलर होगा ना उसके अनुसार ये नंबर को शो करता है, आप देख सकते हो। तो ये नंबर आपके काम आने वाले हैं ऐप कलर करने के अंदर, ऐप एडिटिंग के अंदर, वॉलपेपर एडिटिंग के अंदर, क्योंकि आपने कभी भी कोई फोटो को कलर किया होगा तो कलर वाले ऑप्शन पे कहीं जगह पे आपको नंबर देखने को मिलते थे, तो यही नंबर है जो कि आपके कलर को एक्यूरेट शो करते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो इस नंबर का आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, सेम एग्जिट कलर आप पिक कर पाओगे नंबर के हेल्प से। और यहाँ पे जो क्लॉक है, पहले काफ़ी टाइम से हमें ओल्ड क्लॉक देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको नया क्लॉक देखने को मिलता है, जिसका नया लुक है और नया एनिमेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो। तो क्लॉक का पूरा UI चेंज हो चुका है, साथ साथ हमारा डायलर भी बदल चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो डायलर का लुक इस तरीके से आ गया है और एनिमेशन वगैरह भी। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई काफ़ी टाइम के बाद कुछ तो बदलाव आया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है। और यहाँ पे आपका जो कैलकुलेटर है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है, तो उसका भी UI बदल दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ही नए लुक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से एक्सपेंड आप कर सकते हो और यहाँ पे कोलैप्स वगैरह भी कर सकते हो। और जैसे आप डार्क मोड स्विच करोगे ना तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, और दोनों मोड में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जैसे आपको यूज करना है वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो क्लॉक है इसका भी लुक चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल पे स्विच करते हैं, तो कलर वगैरह तो आप पिक कर ही सकते हो, थीम आइकन इनेबल कर सकते हो, जिससे आपका जो वॉलपेपर वगैरह होगा उसी के अनुसार आपको थीम देखने को मिलेगा। और ये एक पोर्ट रोम है जिसकी वजह से आइकन देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा फॉन्ट है, तो आप डेवलपर के सेटिंग में जाके आप मैनेज कर सकते हो साइज वगैरह को, बट ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा लुक नज़र आता है। मैंने यहाँ पे Antutu को काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया रन करने का, बट ये 0% से आगे नहीं जा रहा था, तो मैं आपको ये शो नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बाकी अदर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आपने अभी तक मेरे सेकेंड चैनल Android Stuff को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे से आपको सारे कस्टमरों के वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं, और टेक ऑफिस में काफ़ी यूनिक टाइप का आपको है जो चीज़ें देखने को मिलेगी, तो दोनों चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से, तो फर्स्ट टाइम जब आप फ्लैश करोगे प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड नहीं रहेगा, उसके लिए रूट करना होगा, मैजिक से हाइड करना होगा, तब जाके ये फिक्स हो जाएगा। L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है तो Amazon Prime यूज कर पाओगे, और ये है डायरेक्टली
CPU रिजल्ट जो कि 9 CPU टोटल देखने को मिलता है, यानी काफ़ी कमाल का है। और मुझे हीटिंग भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और मैंने यहाँ पे BGMI को भी प्ले किया है, तो BGMI मेरा भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जितना भी प्ले किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आया प्ले करते समय। तो आप इस रूम को डालने के बाद गेमिंग कर सकते हो, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है, क्योंकि रोम का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला है। और ये है हमारा सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट जो कि ओवरऑल काफ़ी सही ये भी निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये वॉलपेपर चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जहाँ से आप इसे ज्वाइन वगैरह है जो करके डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बस दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँच पाए और आप उसका टाइम पे बेनिफिट ले पाओ। सो बाय बाय।